आज मैं आपको श्याम बाबा जी के दर्शन करवाता हूँ। लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, 4 से 5 जगह बड़े बड़े खड्डे हैं, फिर बाहर। चलिए भाई साहब। आज मैं आपको श्याम बाबा जी के दर्शन करवाता हूँ, जो कि है यहीं पर है भिवंडी में, मतलब यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल बजे सुबह के 8:30, जल्द से जल्द तैयार होकर निकलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, सब रेडी हो चुके हैं, बालन में तेला वेला लगा के एकदम चकाचक हो गया हूँ, निकलते हैं अभी। फिलहाल बज चुके 10:30, हमारे पास 1 घंटा, 1 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे ना। रोलर कोस्टर वाला रास्ता आ गया। लास्ट टाइम ये रास्ता बचाने के लिए हमने गूगल मैप का सहारा लिया था, जो कि हमको इतना भारी पड़ा था, उससे जो है रोलर कोस्टर राइड ही नहीं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई पाइपलाइन है, एक टाइम पर अंग्रेज आए थे, आप ये पाइपलाइन डाल के चले गए, रोड बना के गए नहीं, फिर पाइपलाइन डाल के भाग गए। ऐसे पावरफुल गाड़ियां निकल सकती है जो कि आगे जा रही है। हाँ, वो बिना डरे चला रहा है सिर्फ। इतनी दूर तक हम आ चुके हैं, वहाँ से सामने से निकले थे, 2-3 जगह बड़े बड़े खड्डे, बाकी जगह पे सपाट रोड भी है, सपाट रोड बहुत कम है। अरे काका बेचारे गर्मी में लुंगी और शर्ट का कॉम्बिनेशन, बाकी दोनों बाजू की पाइपलाइन अंग्रेज डाल के गए थे, और पाइपलाइन के वो बाजू मंदिर। टोटल रास्ता ये कितना, 1.5 किलोमीटर रहेगा ना, 1 किलोमीटर लगभग, 1 किलोमीटर का रास्ता है, 4 से 5 जगह बड़े बड़े खड्डे, फिर बाकी सीधी रोड भी है। या तो बड़े बड़े ट्रक निकल सकते हैं, या तो जिन गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है वो निकल सकती है। तो श्याम बाबा जी के मंदिर हम पहुंच चुके हैं। आज थोड़ी बहुत गर्दी है होली के वजह से, और एकादशी है उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्दी है आज। बाबा जी का ध्वज लेके झांकी ले रहे हैं। डीजे के साथ लेकर आए भजन बजाते रहे। श्याम बाबा जी के दर्शन हो गए, आज शायद से झांकी निकली हुई है, सारे मारवाड़ी आए राधा किशन वाले भक्त आए बाबा, मतलब इतने अपने गांव के लोग हैं, पहले हम ही अलग जगह जाके रुके हुए। हाँ, तो अभी बढ़ते इस्कॉन मंदिर की ओर। ला मोबाइल दे जरा, नेविगेशन मेरे को रास्ता देने वाला। ये क्या है?
भजन गाते गाते आधे नाचने लगे। हाँ होगा शायद, लेकिन मस्त था, वाइब मस्त थी, मस्त था। लेकिन आधे लोग नाचने लगे थे उधर, ये तो चढ़ाई है चढ़ के आओ, लेकिन अंदर आधे ज़्यादा मग्न हो जाते लोग भजन सुनते सुनते, इतना ज़बरदस्त तरीके से गाया था ना। अब निकलेंगे घर की ओर, दोनों जगह दर्शन हो चुके हैं, श्याम बाबा जी के भी और इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल भी कृष्ण भगवान का ही है, लेकिन वाइब बहुत मस्त आती है, एक बार ज़रा विजिट करके देखना। इताश्री खोलो। हाँ मजा आ गया, सुबह 10 बजे निकले थे, 1 बज चुका है, 3 घंटा ही हुआ है। तो फाइनली घर पर पहुंच चुके हैं। घर पे हम पहुंचे थे लगभग 1:30 बजे, वीडियो शूट कर रहा हूँ शाम के बजे शाम। तो घर फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचने में फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, और हमें फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, फाइनली डेस्टिनेशन रीच्ड, हम घर पहुंच चुके हैं। लगभग 1:30 बजे पहुंचे थे, 10 बजे निकले थे, 1:30 बजे पहुंचे, मतलब लगभग 3.5 घंटे लगे हमको। श्याम बाबा जी के दर्शन हो गए और इस्कॉन टेम्पल भी जाके आए, और आज का दिन तो शायद बहुत अच्छा ही था, क्योंकि दोनों जगह मज़ा आ गया। वहाँ पर भी झांकी निकल रही थी, ध्वजा वगैरह लेकर आए थे वो लोग, और इस्कॉन टेम्पल में भी आरती हुई, वो भी बहुत मस्त थी। तो आज का दिन तो बहुत मस्त गया, क्योंकि लास्ट टाइम पिछले के पिछले हफ्ते गया था, उस टाइम पे जो खाटू श्याम जी का मंदिर था वो बंद हो चुका था जब तक हम पहुँचे थे, लेकिन उसका फल आज मिल गया, आज दोनों जगह चवल मिल गया। तो फिलहाल इस वीडियो को तैयार करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।